ग्लोबल पंजाब टीवी ते जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के जाट अंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिता है। जेकर आप गल करिए देश की आज़ादी तो लैके हुण तक जिस तरीके नाल हरियाणा इस वेले अग च चुलस रहा है, इस तरह का बदनसीब मौका शायद किसी नूं देखण दा ना मिले। अज भी हरियाणा के अंदर गोलियां चल रही हैं, कौन जिम्मेवार है? 20 तो वधेरे जिहड़े इनोसेंट लोग जां उस अंदोलन च शामिल, उन्हां दी मौत हो चुकी है। बाद च जांच रिपोर्टां आउणगियां ते फैसले होणगे। गल केवल इन्नी नहीं है, जिस वड्डे पद्धर ते हरियाणा दे अंदर तबाही हो रही है, सड़कां बंद, रेलां बंद, जरूरी वस्तुआं दी जिहड़ी सप्लाई आ आम लोकां नूं पहुँच नहीं रही। केवल हरियाणा ही नहीं, हरियाणा दे जिहड़े गुआंढी स्टेट जे दिल्ली आ, पंजाब आ, राजस्थान आ, दूजे राज आ, उन्होंने भी इस अग के सेक च निकलना पै रहा। आखिर हरियाणा ये बदनसीबी के दिन क्यों देखने पै रहे हैं? कि मजबूरी है कि हरियाणा के जाटा अंदोलन करना पाया? देखा जाए तो जाट कम्यूनिटी किसान कम्यूनिटी है, जिस तरीके दे नाल पूरे मुल्क के अंदर इस वेले किसानों की दुर्दशा हो रही है, शायद उसकी एक मूहों बोल की तस्वीर है। असी इस गल ना भी पही है कि दे लई कौन जिम्मेवार है, इहदे बारे कोई दो वारा नहीं कि सड़क से निकल के किसी का गोली खाने नूं दिल नहीं करता। इन्हां सारे मुद्दों पर चर्चा च शामिल होने के लिए जिहड़े मेरे नाल विशेष मेहमान हाजिर ने, सर रमनीक सिंह मान, जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सीनियर आगू ने। दूसरे मेरे नाल दीपक कमल जी, जिहड़े कि हरियाणा के एक विशेष वख-वख मुद्दों पर अपनी महारत रखते हैं। प्रदीप मलिक, हरियाणा के सीनियर पत्रकार। मैं तिना ही साथियों चैनल पर आने के लिए जी आखदा। मान जी, जो आप इस सीरियस मुद्दे पर आप गलबात कर जा रहे हैं, आखिर किहड़ियां मजबूरियां सी कि हरियाणा के जिहड़े जाट है उन्होंने राखवें करन दे अंदोलन के राह ते पैण लई मजबूर होना पिया? देखो सिद्धू साहब, गल इस तरह है कि जाटा 2014 च आरक्षण दिता गया सी जी। उस आरक्षण के वेले जिहड़ी रिपोर्ट सबमिट की गई सी, वह कमज़ोर सी, नाकाफ़ी सी। चलते NCBC ने जाटा का अंदोलन दे विच अपनी वल्लों जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती है वह नैगेटिव सी। चलते सुप्रीम कोर्ट ने जाटा नूं दित्ता आरक्षण रद्द करता सी। उस तों बाद जाटा ने एक मुहिम चलाई सी कि भई ये जिहड़ा आरक्षण वह साडा अधिकार आ, साडा हक आ। जाटा की हरियाणा के विच तकरीबन 27% संख्या आ और पूरे हिंदुस्तान च तकरीबन 10 करोड़ जाट ने। एक बेसिक यह है कि जमीन नाल जुड़िया किसान आ, तो बच्चे जिहड़े आ पेंडू इलाकियां च रहिंदे आ, उत्थे इन्नी सुविधावां नहीं है पढ़ाइयां दी। ते जदों कॉम्पीटिशन की गल आती है, उत्थे जिहड़ा बच्चा तुसीं ऐ मन्नो भी शहरां च रह रहे जिन्हां कोल फैसिलिटियां ने, उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकता, उन्ने क नंबर उन्नी क मेरिट नहीं लैके आ सकता। ये मेरे हिसाब नाल भी जाटां नूं आरक्षण मिलना चाहिए आ, ये उन्हां दा हक आ। जदों एक चीज़ दे के वापस लेती जाती आ ते उहदे च रोष हुंदा आ। एक मैं गल जरूर इत्थे एम्फसाइज़ करूँगा कि जाटा का जिहड़ा अंदोलन होया, शुरू होया, ये शांतिपूर्ण सीगा। जाटा ने पहला भी अंदोलन किए आ, शांतिपूर्ण रहे आ। ये जिहड़ा इहदे च हिंसा हुई आ, मैं नहीं समझदा कि भी ये जाटा की कीती हुई आ। ओके ओके मान जी, जिहड़ा हिंसा के कारण है, मैं इस मुद्दे पर दोबारा तुहाडे नाल गल करदा। दीप कमल सरन जी, जो इस मुद्दे पर आप गल करते हैं, तुसीं की समझते हो कि हरियाणा जो मौजूदा सिचुएशन बनी है इसकी वजह की है? देखिए सिद्धू साहब, जो हरियाणा स्टेट है वहाँ के जाट सबसे ज़्यादा जो आज के दिन आहत हैं वो इस बात से हैं कि उनके साथ राजनीति हुई है जी। अगर हम देखें कि हरियाणा के जाटों की जो लड़ाई है वो स्टेट में रिजर्वेशन की नहीं है, उनको हरियाणा में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनको सेंटर में रिजर्वेशन चाहिए, जो OBC कोटा है 27% का, उसमें हरियाणा के जाट पूरी हिस्ट्री में 1 साल के लिए शामिल हुए हैं, मार्च 2014 से मार्च 2015 तक। ये सिर्फ एक सिलसिला रहा, सिर्फ 1 साल का, और इसी साल में लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं और विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं जी। तो हरियाणा के जाटों को ये लगता है कि उन्हें 10 साल के लिए जो आंदोलन उन्होंने चलाया उसके रिजल्ट के रूप में 1 साल के लिए रिजर्वेशन दे दिया, उनके वोट ले लिए कांग्रेसी सरकार ने। सेंटर में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी। इस बात का गुस्सा, और फिर कोई चीज़ जब मिल जाती है और फिर जब छीन ली जाए, इस बात का जो गुस्सा है उनके अंदर। और एक सांसद है, हम चर्चा में आएंगे, उनको भी लाएंगे बीच में, उन्होंने पिछले 1 साल में BJP के सांसद कुरुक्षेत्र से जो है राजकुमार सैनी जी, उन्होंने कुछ ऐसी भड़काने वाली बातें की हैं जाटों के खिलाफ जिनसे
मैं कहूँ कि पूरा जो स्थिति बनी है आंदोलन की और हिंसा की उसका 50% हिस्सा आरक्षण है और 50% हिस्सा अकेले राजकुमार सैनी हैं जिन्होंने जाटों को भड़काया है। ओके ओके सरन जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट गल की है। मान जी जिदा आप गल करते हैं आखिरकार बीजेपी की स्टेट है, चीफ मिनिस्टर सेंटर के बीजेपी की सरकार जड़ी हैगी है, पर इन्हों का कहना कि हरियाणा के जोड़े पार्लीमेंट मैंबर जोड़ा है वो बीजेपी के मैंबर का 50% योगदान है उन्होंने भड़का। देखो सिद्धू साहब, गल इस तरह है कि जिहड़ा कुरुक्षेत्र तो सांसद है अजकल राजकुमार सैनी जी, राजकुमार सैनी ने जिहड़ी भाषण दिते है या जो ने स्टेटमेंट दित्तियां ने ओह च कोई शक नहीं कि भड़काऊ ने, पर यह कहना गलत होएगा कि भी वो बीजेपी की आइडियोलॉजी है या बीजेपी की फिलोसफी है। उन्हें जो कुछ कहा उन्हें एज ए इंडिविजुअल कहा, जिहड़ी रामलीला मैदान दे विच उन्हें जिहड़ी रैली भी की सैनिया की ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ 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 ओके प्रदीप मलिक, तुसी जिदा हरियाणा कवर करते हो, जो कुछ इस वेल वापर रहा हरियाणा अग दे विच चुलस रहा, आखिर कड़ियाँ मजबूरियां सी कि हरियाणा के लोग अग दियां लपटां दे विच दी निकल रहे हैं इस वेले? सिद्धू साहब, जो हरियाणा है वो हरियाणा शुरू से ही पीस लविंग स्टेट रहा है, उसमें पहली बार ऐसा ये जातिगत जो दंगे हुए हैं इसके पीछे 125 साल से हम देख रहे हैं। जो भड़काऊ बातें आ रही हैं, भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, चाहे वो राजकुमार ये सैनी है और चाहे वो दूसरा इनका एक और आर्य है, रोशन लाल आर्य है, या चाहे वो हवा सिंह सांगवान है, ये ऐसा इन एक दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो मोबाइल है, ये जो स्मार्टफोन आ गया ना, आज ज़्यादातर लोगों के पास वो है, उस पर सोशल साइट्स पे एक दल एक जो वर्ग है एक दूसरे की डाल देता है, वो उसकी डाल देता है, वो सारा जहर इतना फैल गया जिसको इन्होंने कभी कंट्रोल नहीं किया। यदि 125 साल से सुन रहे हैं किसी पर एक्शन तो हुआ नहीं, यदि शुरू में इनको रोक देते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते, एक्शन ले लेते, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब भी जो ये आंदोलन जो चल रहा था ना, देखिए डेमोक्रेसी में आंदोलन सब कर सकते हैं, लेकिन ये था कि अगर रोड जाम हुई है, रेल ट्रैक हुए हैं, खुलवाना एक दो दिन के बाद प्रशासन की भी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, खुलवा भी लेते। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ इस तरह के नेताओं की एक भड़काऊ बातें और वो जो जातिगत एक उस जाति की उस दूसरे के करके वो सारी लड़वा दी, आज इन रिश्तों में इतनी बड़ी दरार आ गई, एक दीवार खड़ी होगी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होगा। ओके ओके मलिक, असं रिश्तों के उत्ते गल दोबारा करते हैं। मान जी जिदा आप इस मुद्दे के उत्ते चर्चा कर रहे, जिदा इन्होंने क्या भी हरियाणा च पहला कदे इस तरह नहीं वापरिया, जे आप यह भी देखिए कि हरियाणा के अंदर बड़े जाट कद्दावर नेता होया, सर छोटू राम की गल करिए, चौधरी देवी लाल की गल करिए, जोड़े सबका एक्स चीफ मिनिस्टर रहे भुपिंदर हुड्डा, वह खुद जाट ने। की लगता है कि समय समय से जिहड़ियां सरकारां रहियां जाटां दीआं प्रॉब्लम वल ध्यान नहीं दे सकियां, जिदे करके ये गल इतों तक कि धमाका खेज बन गई? देखो सिद्धू साहब, जिते गल शुरू की थी मलिक साहब ने, मलिक साहब ने कहा सीगा भी हरियाणा एक पीस लविंग स्टेट है जी, इन्हां नाल मैं सहमत हाँ, क्योंकि जिस वेले हरियाणा फार्म होया सीगा उस वेले कोई इदां दे हिंसक अंदोलन नहीं होए सी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, उत्तराखंड बनिया उन्होंने उत्तराखंड वालों ने भी बथेरी हिंसा की सी, उस तों बाद हुण लेटेस्ट स्टेट बनिया तेलंगाना, तेलंगाना च भी बहुत हिंसा हुई ने। दूजी गल जिथे तुसीं कह रहे हैं कि भी जाट नेता कद्दावर रहे ने, मैं तुहानूं इक गल, मैं वैसे तां अपने भाई साहब ने इन्हां दी मैं गल कटणी नहीं चाहुंदा, पर 50% हो सकता भड़कान च जिम्मेवार होवे कोई MP या कोई विधायक, पर इस दंगे नूं या इस अंदोलन नूं जिहड़ा हिंसक रूप दिता आ उहदे लई 100% मैं मानदा हां कि कांग्रेस पार्टी और भुपिंदर सिंह हुड्डा जिम्मेवार ने। ये दोनों प्यो पुत 2 घंटे पहलां हिंसा शुरू होण तों रोहतक दे विच सीगे, 2 घंटे पहलां इह रोहतक तों निकले ने, उस तों बाद रोहतक च सारी हिंसा शुरू होई आ। क्या इन्हां नूं पता सी भी 2 घंटे बाद हिंसा शुरू होनी है, जां इन्हां ने कहा सी भी साढ़े निकलण तों थोड़ी देर बाद तुसीं शुरू कर सकदे आ? सो कहण दा मतलब यह है कि जाटां दा हक और जाटां दे कदी भी जिहनूं कहिंदे आ कि भी रिजर्वेशन दी रिक्वायरमेंट जिस वेले होर पार्टियां सन या होर कोई सीगा उस वेले इन्नी कि इंपोर्टेंट नहीं लगी इन्हां नूं, इंक्लूडिंग भुपिंदर सिंह हुड्डा जिहड़े पिछे 10 साल CM रह के गए आ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਮਾਂਜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੁੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕਰੂਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨੂਵਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ JNU ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਸੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਵੋ ਰੋਹਤਕ ਏਰੀਆ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁਆ ਰੋਹਤਕ ਝੱਜਰ ਸੋਨੀਪਤ ਇਨ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਪੰਜ ਛੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਔਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਯੇ ਵੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਕਭੀ ਆੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਭੀ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਭੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਭੀ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇਨ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਔਰ ਯਹੀ ਵੋ ਤਿੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕਾ ਗੜ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ 14 ਸੀਟੋਂ ਮੇਂ ਸੇ 10 ਸੀਟੇਂ ਆਜ ਵੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ 15 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪਰ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਉਨਕਾ ਗੜ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁਆ ਕਿਉਂ ਹੁਆ ਜੋ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ 10 ਸਾਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਵਹਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਆੰਦੋਲਨ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਯੇ ਬਾਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੀ ਕੈਥਲ ਹੈ ਸੋਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਫੈਲਾ ਸਟਾਰਟ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਰੋਹਤਕ ਸੇ ਹੁਆ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਅਭੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਵੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਆਡੀਓ ਹੈ ਵੋ ਚਰਚਾ ਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਪੇ ਵੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਔਰ ਉਨਸੇ ਯੇ ਕਹਿ ਵੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਲਾਲ ਖਾਪ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਨਸੋ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੋ ਔਰ ਲੋਕਦਲ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਮੇਂ ਤੁਮਨੇ ਏਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤੁਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੋ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਂ ਉਨਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਵੋ ਸ਼ੇਤਰ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਸੋਨੀਪਤ ਝੱਜਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਯੇ ਵੋ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਆ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾ ਯੇ ਥਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਮੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਮੇਂ ਔਰ ਥਾਰੇ ਵਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ BJP ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਜੱਟੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ BJP ਕੀ ਹੈ ਫੇਲਰ ਤੋਂ BJP ਕਾ ਹੈ ਆਪ 1.5 ਸਾਲ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਹੈ ਆਪਨੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੁਆ ਥਾ ਜਾਟੋਂ ਕਾ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਯੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਫੇਲਰ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਵਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ 22-23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਲਟਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜਡੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ
पावर तो बाहर जाती है, बिना पानी की मछली वांगू तड़पती है। ओके ओके मान जी बिल्कुल सही, पर मैं एक गल जी जानना चाहूंगा जो सहारन जी ने कही है कि कांग्रेस इतनी पावरफुल हो गई है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस इस वे सारी स्टेट नु जेड़ा है कैप्चर कर लिया उसने। देखो जी बीजेपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसे, सरकार खट्टर सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं नहीं जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ सेफ स्टेट सब्जेक्ट। जी जी ते पहली गल ये जिथों शुरू होया, अगर तुसी इहदा फुटप्रिंट पूरा देखोगे ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਗੋਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਜੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਜਲਾ ਦਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸਕੋ ਜਲਾ ਦਿਆ, ਔਰ ਇਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਕੋ ਤਾਜੁਬ ਹੋਗਾ, जब एक बार जलाने के बाद भी वही युवक तीसरी बार देखने आए, कल अगले दिन फिर से बचता नहीं गया, रविवार वाले दिन आए हैं ये देखने की कोई कैप्टन का बच्चा तो नहीं हुआ है इनके वहां पे। आप ये बताओ ना, आगे जितनी दुकानें जलाई हैं ये किसने जलाई हैं? उसने कम से कम, आप पुलिस कहां थी आपकी? पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की नहीं, इवन वहां के जो ऑफिसर है उनके पास सिक्योरिटी जरूर थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा की। आप ये बताइए ना, एक दिन आ गए चलो, पुलिस जड़ी की बहुत ही जगह थे थाने के अंदर चली गई, डरती मॉब नु फेस नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सिद्धू साहब, और चौकियां उन्होंने जलाई हैं, चौकियां जला दी पुलिस, पुलिस कह रही है बाहर निकलने के लिए हमें सुरक्षा चाहिएगी तब हम जाएंगे। जब ये पुलिस के शब्द हैं तो ये बताइए कानून व्यवस्था हरियाणा में कहाँ है? और दूसरा, जो विपक्ष के नेता ने कहा, मैं सहमत हूँ, अगर यही हालत है तो आप सरकार चलाने का एक सेकंड भी हक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल, आज तक कभी नहीं देखा, जो भाईचारा है बिगड़ा है, इसमें पुलिस के जो रोल है वो बिल्कुल खत्म है, उसमें कोई देखो यू कैन गो ऑन फॉरएवर। तुसी मलिक साहब सारी रात बोल सकते हो इस सब्जेक्ट के ऊपर कि फेलियर है, फेलियर है, यू हैव टू लिसन टू अ रिबटल आल्सो। देखो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस हैगी, गिवन एरिया च थाने होंगे, थाने थले चौंकियां होंगे ने, उन्होंने उपर एक रेंज होंगी है। गल यह है कि पुलिस की स्ट्रेंथ की है इस वे साढ़े को, एक चौकी के किन्ने बंदे होंगे हैं? आपको बताता हूँ, इस टाइम जिस आग में जल रहा है हरियाणा, उसमें 18-20 लोग जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में 700-800 लोग घायल हैं। हरियाणा पुलिस के कितने जवान घायल हैं? एक दर्जन भी नहीं। हरियाणा पुलिस निकली नहीं सड़कों पर, हरियाणा पुलिस को बाहर निकाला ही नहीं गया, उस पर भरोसा ही नहीं था या उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्मी के आने से पहले कि आखिर कितने सरकारी रिस्पांसिबिलिटी से बनती है कि नहीं बनती, मैं बोलूंगा उधर फाइनेंस मिनिस्टर के घर क्या बोलने का सवाल है। ओके मान जी बोलो, मान जी बिना टोके तुसी मान जी मोस्ट वेलकम बोलो, तुसी बोलो बोलो। गल है लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इस गल दे ऊपर कोई दोरा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जेड़ा स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस दे हत्थों नहीं सांभया गया, इस गल च भी कोई शक नहीं है। पर क्या स्टेट गवर्नमेंट की नीयत उन्हें सामर्थी सी या नहीं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आ जी आगजनी हुई है 1984 की स्टेट स्पॉन्सर्ड आगजनी नहीं है, ये स्टेट इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटर, अपनी इंटेंशंस क्लीयर सी। सिर्फ हरियाणा पुलिस की गल कर रहे हैं, कहते पुलिस लाइन च 2000 बंदा होंगे, तुम मैं दसो पुलिस लाइन च 2000 बंदा होंगे? पुलिस लाइन पूरे जिले की होंगी है, पुलिस लाइन एक चौंकी की नहीं होंगी। जो एक चौंकी के 8 बंदे की स्ट्रेंथ होंगी है, उत्थे 2000 की मॉब आएगी, 8 बंदे की करेंगे उत्थे? मान जी असीं गिनती दी, असीं गिनती दी गल नहीं करदे, फिगर दी नहीं करदे, गल इन्हां ने गिनती नहीं कीती, असीं स्टेट दी गल कर रहे हां, स्टेट दी गल कर रहे हां। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ 60 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਭੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਈ, ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮੈਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਭਰੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਗਜਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
सरकार दी जिम्मेवारी कित्थे है? उन्होंने मैनू कहा कि मेरे फादर हुड्डा जी अज जंतर उत्थे राजघाट ते अनशन ते बैठे ने एदे खिलाफ जंतर मंतर ते राज ओदी अपील करन लई। तो फिर मान साहब एक मिनट भाई साहब, उन्हां दा मैनू उन्हां दा आही जवाब सीगा कि हुण तुसीं इह कह रहे हो तां मैनू थोड़ी गल ते भरोसा हो रिहा कि हुण हरियाणे शांति हो जाएगी, क्योंकि जिहड़े हरियाणे दे विच अग लाउण वाले बंदे आ ओह अपील कर रहे आ शांति लई, क्योंकि पूरी हरियाणा पुलिस तों 60 बटालियन तों और आर्मी तो सांभी नहीं गई, तुसी पिछे हो मान जी तोड़ हटणगे। जी 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 जी, तुसी दीप जी इस मुद्दे ते की कहना? मैं कह रहा हूं फिर तो मान साहब आपके सवाल को मान लें कि हरियाणा हुड्डा के कंट्रोल में है, बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। जी, अगर हुड्डा ही सारी चीजों को डिक्टेट कर रहे हैं, सारी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी मान ले कि वो जेड़ा ये गवर्नमेंट तो बीजेपी के नाम के हो गया। वो क्षेत्र मान साहब इन्होंने कहा है कि अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी स्टेट दी बनदी है कि नहीं बनदी, स्टेट दी भूपिंदर हुड्डा ने गड़बड़ कीती है, बनदी है 100% इहदे च कोई दो राय नहीं है। जी, पर यह कहना देखो सर, जिहड़े बंदे दा जिस एरिया दे विच वर्चस्व हुंदा है, वह 10 साल सीएम बन के हटिया, हाले उहदे कोल जिहड़े उहदे पाले हुए बंदे ने अज मन के चलो 8 to 10 हज़ार बंदा जिहदे लई उहने कुछ कीता होणा। ओके, तुसीं चाहुंदे कि कांग्रेसी इहदे लई जिम्मेवार आ? ओके, थैंक यू वेरी मच। साइड उहनां ने कीता, शुरू उहनां ने कीता। असीं हरियाणा दे जाट अंदोलन ते अपने मेहमानां दे नाल दो पड़ाव वी चर्चा कर रहे हैं। पहले पड़ा की चर्चा शामिल होने के लिए मैं मान जी, सहारन जी और मलिक जी तिने मेहमानों का धनवादी हैं। इन्हें मुद्दों के जोड़े अहम क्वेश्चन असी नहीं लै सके, दूजे पड़ा की चर्चा च लवेंगे। इसलिए मेहमानों के नाल जी मेरी दर्शकों ने भी रहा है कि इस नाल जुड़े मुद्दों लैके तुम दूजे पड़ा की चर्चा देखना भी ना भूलना।